आखिर कैसे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने बॉलीवुड के तीनों खानों को पीछे छोड़ के रख दिया है। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, अक्षय कुमार ने साल 2019 में नए इतिहास रच दिए हैं। साल 2019 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई जो बैक टू बैक सुपर हिट रही। उनकी फिल्म केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज ने मिलकर 760 करोड़ की कमाई कर ली है और ये वो नंबर है जो हर एक्टर का एक ड्रीम नंबर होता है। हर कोई इतने करोड़ की कमाई करना चाहता है, लेकिन अक्षय कुमार एक लौते ऐसे स्टार बन चुके हैं जिन्होंने ये आंकड़ा छू लिया है और इसी के साथ वो पहले एक्टर बन चुके हैं साल 2019 में जिन्होंने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ली है। तो दोस्तों, ऑलरेडी 2019 में वो एक रिकॉर्ड बना चुके हैं और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2020 में भी अक्षय कुमार अपना ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरीके का इस साल उनकी फिल्मों का लाइनअप है, इसको देख के लग रहा है कि अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से तहलका मचा देंगे। इस साल उनकी बड़ी बड़ी फिल्में जैसे सूर्यवंशी, बेल बॉटम, बच्चन पांडे रिलीज होने वाली है, साथ ही लक्ष्मी बॉम्ब भी इसी साल रिलीज होगी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अक्षय कुमार इस साल भी बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा के रख देंगे। वेल दोस्तों, इन फिल्मों के अलावा एक और फिल्म के लिए अक्षय कुमार चर्चाओं में है। दरअसल आनंद एल रॉय एक फिल्म करने जा रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक सुपरस्टार की जरूरत थी। उसमें सारा अली खान और धनुष को वो ऑलरेडी कास्ट कर चुके हैं और अब खबरें हैं कि वो अक्षय कुमार को इस फिल्म में कास्ट करने वाले हैं, लेकिन खबरें हैं कि अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए 120 करोड़ की फीस चार्ज करने वाले हैं। वेल दोस्तों, इस बात में एक चीज गौर करने वाली है कि आनंद एल रॉय हमेशा से कम बजट की फिल्में बनाते हैं, लेकिन अगर एक्टर का बजट बढ़ जाएगा तो फिल्म का बजट बढ़ना भी लाजमी सी बात है। आनंद एल रॉय ने अब तक बहुत कम बजट की फिल्में बनाई हैं। अगर उनकी फिल्म जीरो को छोड़ दिया जाए, फिल्म जीरो का जो बजट था वो 150 करोड़ रुपए था। वेल दोस्तों, इसके पीछे कई रीजन बताए जा रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार ने इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन अक्षय कुमार की टीम का मानना है कि जैसे कि अक्षय कुमार हर जॉनर में कमाल कर रहे हैं, उनकी गजब की फैन फॉलोइंग है और डिजिटल दुनिया से लेकर सैटेलाइट दुनिया में हर जगह अक्षय कुमार छा चुके हैं, इस हिसाब से उनकी फीस का बढ़ जाना एक बहुत ही लाजमी सी बात है और उनकी फीस बढ़नी चाहिए। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ के रख दिया है। जब उनकी फिल्म केसरी आई थी तो तब तक उन्हें ऐसे हीरो में गिना जाता था जिनकी फिल्में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन केसरी के बाद जब मिशन मंगल आई, गुड न्यूज आई और हाउसफुल 4 आई तो अक्षय कुमार ने प्रूव कर दिया कि वही बॉलीवुड के अगले किंग है और बॉक्स ऑफिस के किंग बन गए हैं। अक्षय कुमार ने शाहरुख खान, आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख की फिल्मों का ग्राफ देखा जाए तो पिछले साल उनकी जीरो रिलीज हुई थी जो सुपर फ्लॉप रही और आमिर खान की भी पिछली फिल्म सुपर फ्लॉप रही। तो इस हिसाब से अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को पीछे छोड़कर रख दिया है। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आपको अक्षय कुमार की फिल्मों का कितना इंतजार है नीचे कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।